क्या शाहरुख खान बन गए हैं बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, शाहरुख खान यशराज बैनर के तले आने वाली फिल्म पठान में आपको देखने वाले हैं, जिसमें वो एक स्पाई के तौर पर नजर आएंगे। यानी कि उनका किरदार जो है वो एक स्पाई होने वाला है, जो कि यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। और इस फिल्म में आपको जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण भी दिखने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए सलमान खान भी दिखाई देंगे, जो कि टाइगर की भूमिका में ही नजर आएंगे, एक था टाइगर वाले टाइगर की भूमिका में। ठीक है, आपको बता दूं कि इस फिल्म में शाहरुख खान अलग अलग लुक्स में दिखाई देंगे। उनके जो लंबे बाल आजकल दिखाई दे रहे हैं वो भी इसी फिल्म पठान के लिए हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। शाहरुख खान बड़ी मेहनत कर रहे हैं, शूट इसका चल ही रहा है। अब आपको बता दूं कि अभी हाल ही में काफी सारे मीडिया पोर्टल्स पे ये खबरें दौड़ रही हैं कि शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए की फीस ली है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि शाहरुख खान पठान कर तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए 100 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और ये सारी बातें बहुत जगह चर्चाओं में हैं। काफी फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट भी इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ने ट्वीट भी किया हुआ है। हालांकि अभी भी मेकर्स की तरफ से या शाहरुख खान की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर ये बात सच है तो इसके बाद शाहरुख खान ने अक्षय कुमार और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है अपनी फिल्म की फीस के मायनों में। अभी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या यह खबर सच है, आगे पता चल ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।